Good morning, friends. How are you? Welcome to Kony Lingua English for Learners. Friends, yesterday we studied imperative sentences which start with let. in today's video we shall learn optative sentences so let's start first of all we have to know what is optative sentence friend वैसे sentences कई प्रकार के होते हैं जैसे आपने assertive पढ़े interrogative पढ़े imperative पढ़े अब जो चौथा प्रकार है जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो है ऑप्टेटिव तो एक्चुअल में ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसिस प्रेयर विश ब्लेसिंग कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में प्रार्थना हो इच्छा हो दुआ हो बदुआ हो आशीर्वाद हो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं दिस काइंड ऑफ सेंटेंस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट विथ मे बट इन सम केसेस दे डोंट हैव मे इवन दो they are called optative sentence and at the end of the sentence the sign of exclamation is put okay aap तो dekhenge optative sentence में बाद में sign of exclamation भी होता है ठीक है ये बाद में होता है last में जा करके और ये usually में से start होता है सेंटेंस में से नहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उनमें होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस सेंटेंस में मे आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस 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 मेन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये जो आपके स्क्रीन पर लिखा है ये ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का ठीक है जैसे मे गॉड ब्लेस यू मे यू लिव लॉन्ग है ना इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जैसे मे यू डाई इस तरीके के जो सेंटेंस हैं मे यू बी हैप्पी ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ठीक है तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें हम देखिए इसके रूल है आप इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सेंस

लास्ट के इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएगा तो ये इसके रूल है ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब को या विश में करेंगे या फिर आपके आ, प्रेयर होगी तो प्रेड हो जाएगा आ, अगर कर्स्ट होगा यानी अभिशाप बदवा होगी कर्स्ट हो जाएगा ब्लैसिंग होगी तो ब्लैस्ड हो जाएगा इनमें कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जैसे बाकी जो जनरल रूल है जैसे आपका मान लो प्रोनाउन को चेंज करना है या वर्ब को टेंस को चेंज करना है वो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल होगा जैसे ही सेंटेंस है तो ही अब देखिए मे गॉड ब्लेस यू ईश्वर आपका भला करे ठीक है खुदा आपका भला करे भला करे तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको उसने दुआ दी ठीक है प्रेड किया उसने ईश्वर से आपका भला करने के लिए तो ये प्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी जो रिपोर्टिंग को ही में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? ऐसे कुछ और सेंटेंस है जैसे आप कहेंगे दे सेट टू हिम मे यू डाई अब मे यू डाई ये जो है बद हो गई ठीक है ये इसने एक तरीके का अभिशाप टाइप का दे दिया तो अब इसमें देखिए कर्ट बदवा हो गई कर्स में बदलेंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को दे कर्स हिम दैट आई माइट सॉरी दे कर्स हिम दैट ही माइट डाई ठीक है ये बनेगा ही माइट डाई ऐसे ही फ्रेंड और बहुत सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके जिनमें आपका मे नहीं मिलेगा लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा फिर भी हम उसमें मे को अंडरस्टूड मान लेते हैं और अपनी तरफ से मे को माइट में कन्वर्ट करके लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वी सेट गॉड सेव द प्रेसिडेंट अब इसमें मे नहीं है और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अब सेव द प्रेसिडेंट इसमें क्या प्रेयर हो रही है ठीक है गॉड से तो वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट ऐसे ही सेट टू मी मे यू बी हैप्पी अब इसमें भी आपको विश हो रही है दुआ दे रहा है खुश रहो मे यू बी हैप्पी तो ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी तो फ्रेंड्स ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को लास्ट में फ्रेंड मैं आपको एक एग्जाम्पल दे एक मतलब होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करके बताना है कमेंट सेक्शन में जाइए और बनाकर दिखाइए सेट गॉड सेव दर्मिड हेल्पलेस ये है ठीक है यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच विद द रूल्स आई हैव टोल्ड यू टूडे ओके उनकी uh, मदद से आप इसको कन्वर्ट करके आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए ठीक है सो लास्ट

So thank you very much. Keep watching. Have a nice day.